किन लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है। ये देखो, अब इतने सारे मिल के खून पिएंगे तो कहाँ से शरीर में खून बचेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आप लोगों के दुआ से। तो अभी बज रहा है 8:10 सुबह का। आज ड्यूटी है मेरा, बैंक वाली मैडम को बैंक में छोड़ना है, तो उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। आप लोगों को मेरा आँख देख के पता चल रहा होगा कि मैं आज रात भर सोया नहीं हूँ। क्यों नहीं सोया मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊँ। वीडियो में आप लोग बने रहे, आप लोगों को पता चलेगा कि मैं रात भर क्यों नहीं सोया, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज। तो चलो, मैं बैंक वाली मैडम को छोड़ के बैंक में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मार्केट जाऊंगा एक दवा लेने, फिर दवा लेके आके दिखाता हूँ मैं रात भर क्यों नहीं सोया। रूम में है वो वजह, मैं रूम में दिखाऊंगा कि क्या है वो। चलो मिलता मैं थोड़े देर में। तो मार्केट में आ गया मैं दवाई लेने। ये देख रहे हैं आप सिटी फ्लावर। सिटी फ्लावर का आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा, इस वीडियो के दूसरे तीसरे नंबर पे ही है। पार्ले जी देख सकते हैं, तो दवा ले लिया हूँ मैं। रूम पे चल के आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ किस चीज का दवा है। तो आ गया मैं रूम पे, अभाव में दिखाता हूँ आप लोगों को किन लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है। ये देखो, देख रहे हो, इधर देखो, पूरा भर रहे हैं। अब इतने सारे मिल के खून पिएंगे तो कहाँ से शरीर में खून बचेगा। रात को इतने काटते हैं, कोई इधर से काटता है, कोई इधर से काटता है, देख लो। अभी इधर अंदर बहुत है लोग। पूरा खटमली खटमल, आज मैं इन लोगों को व्यवस्था कर दूंगा। बहुत है, कोने कोने में है लोग। आज मैं लाया हूँ उनके लिए दवा ताकि इन लोगों की तबीयत सही हो जाए। देख लो इमीडेक, इसको अभी मैं डालूंगा। शाम को जब जाऊंगा बैंक वाली मैडम को लेने तो डाल के जाऊंगा गेट उट बंद करके। पूरा परेशान, रात भर सोने नहीं दिए हम। ये छुन छुन काट रहे थे लोग। गाइस, अभी हो रहा है 4:06। मैं दवा अभी घोल रहा था मारने के लिए, तब तक 3:30 मैडम का फोन है, जल्दी जाओ खुदरा पे। खुदरा मतलब सब्जी के दुकान पे, सब्जी वब्जी लेना है, बताई थी सब्जी, अब देख सकते हैं।
इसमें है सग्गा प्याज और पालक वालक है। और एक घर पे भेजी थी ये पतीला लेने के लिए, वो पतीला भी ले लिया मैं। बस क्या हुआ, समोसे का आटा मंगवाई थी तो समोसा का आटा लेने आया ही मैं सुपरमार्केट में, तब तक सुपरमार्केट बंद हो गया। अभी नमाज का टाइम हो गया है तो नमाज के टाइम सारा दुकान बंद हो जाता है, तो मैं इसीलिए पार्किंग में इधर खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा हूँ नमाज ख़त्म होने का। नमाज ख़त्म होगा फिर मैं वो समोसे का आटा लूँगा, फिर जाऊँगा उधर मैडम के घर पे। अब देखो मैडम आज शायद जाएगी अपने फार्म हाउस पे, फार्म हाउस पे छोड़ना पड़ेगा। बस यही है कि अभी मौका था वो दवाई मार देता। दवाई मारने के बाद रूम को 2 से 3 घंटा बंद करके रखना पड़ता है, उसमें कोई ना रहे। अब जब मैं उसमें रहूँगा तो कैसे दवा मारूँगा, फिर एनर्जी हो सकता है मुझे भी। तो आज खटमल लोग का शायद किस्मत सही है, वो लोग बच गए। और ज़्यादा ड्यूटी भी नहीं आता है, अब देखो फार्म हाउस में चली जाएगी लोग तो 2 दिन 3 दिन उधर ही पड़ी रहेगी लोग, फिर दवा मारने का मौका नहीं मिलेगा। अचानक से फ़ोन कर दी, बस 15 मिनट बाकी था सलाह का, मतलब नमाज के अजान का 15 मिनट बाकी था। मैं भागते भागते पहले सब्जी के दुकान पे गया, सब्जी वब्जी लेते लेते उधर ही अजान हो गया, बस दूसरा सुपरमार्केट बंद हो गया। फिर मैं जाके जो भगोना है वो भगोना ले लिया वो घर से, फिर मैं इधर आके सुपरमार्केट के बाहर खड़ा हूँ। देखो सुपरमार्केट खुलता है तो मैं फिर लेके अब निकलूँगा मैडम के घर के लिए। तो ये मार्केट से मैंने समोसा ले लिया, देख रहे हैं समोसे का आटा। अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं निकल रहा हूँ मैडम के घर के लिए। आगे ये गाड़ी खड़ी है अपनी, चलो देखते हैं कहाँ जाती है, वहीं पे मैं मिलूँगा। तो छोटी वाली मैडम अभी फार्म हाउस में आ गई, मैं फार्म हाउस में छोड़ दिया, सामान वामान सब उतार दिया। एक तो ये लोग का ये आदत बुरा है कि मैं एसी चला रहा हूँ, एसी चल रहा है फुल, ये लोग बैठ के पीछे का खिड़की खोल देती है लोग। अब आप लोग ये बोलोगे कि भाई एसी बंद कर दिया करो, नहीं एसी भी नहीं बंद करना है, एसी बंद करोगे तो बोलेगी ले एसी चालू करो और खिड़की भी खोल देगी लोग। इन लोगों के दिमाग में इतना नहीं आता है कि खिड़की खुल जाएगा तो गाड़ी कैसे ठंडा होगा। अभी बोलिए इधर ही रुको, रुका हूँ मैं बाहर, देखूँ अभी क्या बोलती है, क्या कुछ सामान वामान भिजवाएगी या क्या करेगी, खुद जाएगी। रुकने के लिए बोलिए मैं रुका हूँ, चलो देखते हैं क्या होता है। तो अभी फ़ोन आया था, अभी बोली खलास तुम जाओ तुम्हारा काम ख़त्म, तो अब मैं रूम पे जा रहा हूँ, रूम पे चल कर मिलता हूँ। तो आ गया मैं रूम पे, देख सकते हैं देखिए कैसे बिस्तर वैसे ही पूरा फेंका हुआ, मैं चादर उदर हटा दिया था, इसमें ये दवा घोलने जा रहा था मैं, पूरा चादर उदर हटा दिया था मैं। अब आज तो नहीं मार पाऊंगा दवा, क्योंकि अभी दवा मार के इसमें रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तबीयत वबीयत खराब हो जाएगी मेरी भी, तब कहीं बाहर जाना होगा मुझे, पहले मालूम होगा तो मैं घोर के मार के जाऊंगा, ताकि 1-2 घंटे का समय मिल जाए दवा का असर ख़त्म होने में। चलो अब रात को देखता हूँ कुछ खाना वाना बनाऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। आज मैं चिकन लाया था, उसमें दोपहर में ही काट ओट के साफ करके अपना मसाला वसाला लगा के उसमें रख दिया था फ्रिज में, देख रहे बर्फ़ जम गया पूरा, बर्फ ही बर्फ। अब इसको मैं फ्राई करने जा रहा हूँ। तो दाल कली का चल रहा है मच्छी में, रात को 2 खाया दोपहर को 2 खाया। दोपहर में मैं ला लिया था चिकन, उसको साफ ऑफ करके मैं उसी मसाला में लपेट दिया, और देख सकते बर्फ़ जम गया है। अपना चावल इधर बन गया है, तेल गर्म हो रहा है, इसमें अब मैं अपना चिकन फ्राई करूँगा। तो 2 पीस अभी करूँगा, 2 पीस दोपहर को रख दे रहा हूँ मैं। तो अपना चिकन फ्राई हो रहा है, आप लोग भी आइए खाने, बिस्मिल्लाह कीजिए। अब मैं आप लोगों से सीधे मिलता हूँ खाना खाने के बाद, फिर मैं वीडियो को एंड करूँगा खाना खाने के बाद, तो मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में, आप लोग भी आइए खाने के लिए। चलो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में।
गैस में खाना वाना खा लिया अपना, चिकन फ्राई वैसे ही हुआ था जैसे मच्छी हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में, नहीं देखा तो आप लोग जाके देख लीजिए। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया आप लोगों के लिए, कितने लोग इंडिया में यही बोलते हैं कि विदेश में एक मक्खी तक नहीं मिलती है। भाई विदेश में वो क्या है, आप लोग विदेश आके देखे नहीं हो, मक्खी भी मिलती है, मच्छर भी मिलते हैं लोग, और खटमल तो मिलते ही है लोग। देख लिया आप लोगों ने खटमल, अगर मक्खी भी देखना होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी 2 दिन पहले मेरे को इधर मधुमक्खी काट ली थी, ये फूल गया था, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था। तो इधर सब है लोग, कॉकरोच है, मच्छर है, कुत्ता है, खटमल है, मधुमक्खी है, लोग सब जानवर है, सब कीटाणु है। आप लोग देखे नहीं हो तो सोचते हो कि विदेश में ये सब नहीं मिलते हैं, हर जगह मिलता है, अमेरिका, लंदन, आप कहीं पे भी चले जाओ ये सब चीज़ें रहते ही हैं। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाया कि आप लोग देख लें कि विदेश में ये सब होते भी हैं, खटमल भी होते हैं, मच्छर भी होते हैं, मच्छर भी काटते हैं, गर्मी भी होता है। अगर आप भी उनमें से है जो अपने दोस्तों में जाके बताते हैं कि विदेशों में मक्खी तक नहीं मिलती है लोग, तो आप जाके ये वीडियो देख के आप दोस्तों में जाके बताइए कि होती है लोग, या फिर ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि वो देख ले कि हाँ खटमल कितने परेशान करते हैं सऊदी में। ये नहीं कि सिर्फ जो इंडिया पाकिस्तान से है उनके रूमों में मिलेगा, नहीं, ये आए हैं सऊदी के घरों में से। आप ये जो कालीन देख रहे हैं, कालीन फेंका था बाहर में तो मैं ये कालीन उठा के ला के अपने रूम में बिछा लिया, तब से इसी में खटमल थे लोग। और ये एक सऊदी के रूम में से निकाला गया था, वो जब नया लगाया था तो पुराना वाला निकाल दिया था, तो मैं ला के लगा लिया, नहीं तो मेरे रूम में पहले खटमल नहीं थे उधर। ये जब कालीन ला के लगाया मैं अपने रूम में, तब से ये खटमल परेशान कर रहे हैं। तो ज़्यादातर सऊदियों के घर पे ही मिलते हैं, गद्दों में जो ये लोग गद्दे वद्दे उठा के फेंक देते हैं, गद्दे उठा के लाओ तो गद्दे में मिलेंगे खटमल। तो सऊदियों को भी मालूम है ये सब खटमल वगैरह, तभी तो दवा बिकता है, नहीं तो सिर्फ बाहरी लोगों के क्या दवा बिकेगा। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने कितने पैसे खर्चा कर दिए फिर भी नहीं भागे। अब ये दवा लाया हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ जाते हैं कि नहीं। ये किसी ने, मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाया था तो किसी ने मेरे को रिकमेंड किया था कि ये ला के उधर मारो तो जाएंगे। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ये लाया था मैं, ₹5 का ये खत्म कर दिया हूं, देखो खत्म है। ये लाया था ये भी खत्म है, ये दोनों काम नहीं किया, ये दोनों इस्तेमाल करने के बाद ये किसी ने मेरे को बोला ये लाओ, तो ये लाया मैं, आज नहीं मार पाया। आप देख सकते हैं इस पर वार्निंग लिखा है कितना डेंजर है, इसलिए इसको मारने के बाद रूम में नहीं रहना है। इसी वार्निंग की वजह से इसको मारने के बाद रूम में कम 2 या 3 घंटा नहीं रहना है, रूम बंद करके बाहर रहना है। 2-3 घंटे बाद ही रूम में आके रहोगे तब रहेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, तबीयत खराब हो सकता है या फिर कोई आँख वाँख में इन्फेक्शन जो भी हो सकता है, इसीलिए मैंने आज नहीं मारा। अब देखूंगा अगर मेरे को पहले ही कोई ड्यूटी आएगा, बोलेंगे कि यहाँ जाना वहाँ जाना 2-3 घंटे का उसमें वेटिंग रहेगा, तब मैं मारूंगा। तब तक ऐसे खटमल से कटवाते हैं, जब इतना दिन कटवा लिए तो थोड़े दिन और। चादर तो मैंने निकाल दिया है, बस गद्दा बिछाया उसी पर अपना सोऊंगा। तो चलो, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं वीडियो को ज़्यादा और लंबा नहीं करूँगा, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी वीडियो डाला करूँ मैं नोटिफिकेशन जाए। तो चलो, हम मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना एंड टेक केयर, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। चलो, गुड बाय।